हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक है टाइल्स का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। दोस्तों, टाइल्स अगर आप अपने खुद के घर में लगाएंगे या फिर आपने अगर आप सिविल इंजीनियर हो, अगर आप साइड में लगा रहे हैं, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि एज़ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोग कैसे टाइल्स को लगाते हैं और उसको लगाने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप करके टाइल्स को लगाने का प्रोसीड्योर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइल्स को लगाने से सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। जहाँ पे हम लोग टाइल्स लगाएंगे उस सरफेस को प्रिपेयर करना पड़ेगा टाइल्स के लिए। उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि जहाँ पे टाइल्स लगाएंगे वो फ्लोर जो है इवन है या फिर अनइवन है, रफनेस है या फिर स्मूथ है, और उसमें कोई होल है या नहीं है। अगर फ्लोर अगर अनइवन हो, अगर बहुत अगर स्लोपी अगर उसका जो है स्लोप हो उस फ्लोर में, तो उसको हम लोग जो है आर्टिफिशियली जीरो चिप्स मतलब 10 mm का स्टोन चिप से उस फ्लोर को जो है ठीक करना पड़ेगा। और 2 नंबर अगर उसमें होल हो तो उसको हमको रिपेयर करना पड़ेगा। और अपना टाइल्स डालने से पहले टाइल उसमें जो है लगाने से पहले फ्लोर को अच्छे से साफ करना पड़ेगा। तो सेकंड हम लोग का क्या है, लेआउट ऑफ सरफेस। हमको लेआउट करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग टाइल्स लगाएंगे तो एक चीज़ आप लोगों को जो है दिखा देता हूँ मैं। ये मान लीजिए आपका वॉल है, आप टाइल्स लगा रहे हैं ऐसे करके, टाइल्स जो है रेक्टेंगुलर शेप में आपका जो है आ रहा है। तो हमको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि जब टाइल्स लगाएंगे तो लेआउट जब करेंगे तो टाइल्स का शेप के अनुसार पहले हमको सेंटर लाइन से देख लेना पड़ेगा। सेंटर से जो टाइल्स हम लोग को चारों तरफ जब जाएगा टाइल्स, तो एकदम आखिरी वाला टाइल्स और ये दीवार, ये दोनों का बीच में गैप कितना हो रहा है, ये आखिरी टाइल्स और ये दीवार, इसके बीच में गैप मिनिमम 100 mm या फिर 4 इंच जो है आना चाहिए दोस्तों। उससे कम आ जाएगा तो वो जो गैप में हम लोग जो पट्टी लगाएंगे टाइल्स को काट के, तो वो जो है उठ सकता है और वो जो है ख़राब भी हो सकता है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग जो है सबसे पहले लेआउट कर लेंगे कि जो लाइन डोरी से उसको जो है हाइट देख लेंगे। हाइट अगर लाइन डोरी से सीधा अगर नहीं भी देख सकते हैं, तब भी हम लोग जो है लाइन डोरी के ऊपर कलर लगा देंगे। इंक लगा देंगे। कलर लगा के हम दीवार के चारों ओर जो मार्किंग कर लेंगे, चारों ओर मार्किंग करके उसके बाद हम लोग जो है टाइल्स का हाइट जो है स्पेसिफाई एक जो है हाइट हम लोग निकालेंगे। उस हिसाब से हम लोग स्लोप अगर हो तो स्लोप दे सकते हैं, अगर डेड स्लोप मतलब जीरो स्लोप हो तो हम लोग उसको जीरो स्लोप में जो है कर सकते हैं दोस्तों। पर सबसे पहले हम लोग को सेकंड में लेआउट ही करना पड़ेगा। लेआउट से हम लोग देख सकते हैं कि घर में टाइल्स का कितना संख्या उसमें टाइल्स लग रहा है, और टाइल्स का एज और दीवार का एज में डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया अपना सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हम लोगों को मिक्सिंग मोटर। दोस्तों, हम लोगों को जब टाइल्स लगाएंगे, टाइल्स लगाने से पहले हम लोगों को टाइल्स के नीचे मोटर फिलिंग करना पड़ता है। और मोटर फिलिंग करने के बाद और एक स्टेप है जो मैं आपको जो है यहाँ पर नहीं दिखाया, वो एक एसेंशियल स्टेप है जो मोटर के साथ ही हम लोग पकड़ लिया उसको। ये जो मोटर दिख रहा है इसके ऊपर टाइल्स लगाने से पहले हम लोग एक सीमेंट स्लरी लगा देंगे। सीमेंट स्लरी उसका रेशियो होता है 1:1, और सीमेंट मोटर का जो अपना रेशियो होता है वो होता है 1:6। तो सीमेंट स्लरी हम लोग लगाएंगे सीमेंट मोटर लगाने के बाद, जब उसका लेवल प्रॉपरली हम लोग ले लेंगे लाइन दोरी से, जब उसका लेवल हम लोग स्पेसिफाई कर लेंगे कि इतना लेवल में हमको जो है टाइल्स लगाना है, तब हम लोग जो है यहाँ पर सीमेंट स्लरी लगाएंगे दोस्तों। और सीमेंट मोटर का लेयर का थिकनेस जो होगा, ये जो थिकनेस है ये 1 इंच से 2 इंच मतलब 25 mm से 50 mm तक हम लोग जो है इसका थिकनेस रखेंगे दोस्तों। तो फिक्सिंग टाइल्स को फिक्स करेंगे उसके बाद।
उसके बाद टाइल्स को जब फिक्स करेंगे तो हम लोग एकदम लेआउट के हिसाब से फिक्स करेंगे, और फिक्स का हर एक टाइल्स जब फिक्स करेंगे तो फिक्स करने के समय हम लोग इसमें लाइन डोरी, इसमें जो है लाइन डोरी हम लोग लगा के इसका लेवल हम लोग जो है चेक कर लेंगे एकदम बराबर से लेवल चेक नहीं करेंगे तो हम लोग का स्लोप ठीक से नहीं आ पाएगा। अगर स्लोप अगर देना है तो स्लोप का लेवल हमको देखना है, अगर डेड स्लोप रखना है तो उसको डेड स्लोप मतलब जीरो स्लोप में हमको जो है रखना है। तो ये चीज़ मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि टाइल्स का लगाने के समय, लेआउट करने के समय आपको बार बार से उसका लेवल चेक करना पड़ेगा, लाइन डोरी से हो या फिर लाइन सूता से हो। आप पेंट भी लगा सकते हैं दीवार के चारों दीवार में, चार जो अपना चार कोने में पेंट लगा के उसका जो है हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो, मतलब जिस हिसाब से आप करना चाहेंगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं, पर लेआउट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अपना टाइल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद टाइल्स आप लोग फिक्सिंग कर दिए, फिर हम लोगों को जॉइंट फिल करना पड़ता है। जॉइंट फिल मतलब ये जो टाइल्स हम लोग लगा देने के बाद छोटा छोटा जो है गैप रह जाता है, देखिए ये जो गैप है, ये गैप जो है ना, ये गैप जो है रख जाता है आपका बहुत कम, बहुत ही पतला गैप रहता है, ये 5 mm से भी कम रहता है, 4-5 mm का गैप रहता है। तो वो गैप से क्या होता है, टाइल्स बाद में उठ जा सकता है पैर में लग के या फिर कुछ भी तरीके से जो है उठ जा सकता है और दिखने में भी जो है ख़राब रखता है। तो एस्थेटिकली और कंक और आपका जॉइंट को बराबर रखने के लिए हम लोग जॉइंट फिलिंग इस्तेमाल करते हैं। जॉइंट फिलिंग के हम हिसाब से हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, वाइट सीमेंट दोस्तों, वाइट सीमेंट में उसको जो है देखने में भी अच्छा रहेगा और हम लोग का जॉइंट भी बराबर रहेगा। तो जॉइंट फिलिंग हम लोग को, हम लोग किस चीज़ से हम लोग लगाएंगे, वाइट सीमेंट से दोस्तों। तो इसके बाद जॉइंट फिलिंग लगाने के एक दिन बाद मतलब 24 आवर्स के बाद हम लोग उसमें पानी ज़रूर देंगे, मतलब टाइल्स लगाने के एक दिन बाद क्यूरिंग मस्ट है दोस्तों, एक दिन तो क्यूरिंग करना ही पड़ेगा कम से कम एक दिन, अगर 2 दिन करेंगे तो और अच्छा, पर 2 दिन एक दिन सफिशियंट है मेरे लिए, ठीक है। तो हम लोग अभी देख लेंगे ब्रीफ स्टेप बाय स्टेप हम लोग किस चीज़ को लेके हम लोग क्या क्या ओपिनियन दिए। पहला स्टेप हम लोग का था प्रिपेयर सरफेस, मेक श्योर योर सरफेस क्लीन स्मूथ एंड ड्राई फॉर बेस्ट रिजल्ट। सबसे अच्छा आपका टाइल्स फ्लोरिंग के लिए हम आप लोगों को देखना पड़ेगा वो सरफेस क्लीन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और ड्राई फॉर वेस्ट रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम लोग लेआउट देखें, लेआउट में हम लोग क्या करेंगे कि वो टोटल एरिया जो है लेआउट करना पड़ेगा लाइन सूता से या फिर पेंट से। उसके बाद हम लोग देखें कि मोटर मिक्सिंग। तो मोटर मिक्सिंग में हम लोग क्या देखें कि फर्स्ट हम लोग को सीमेंट और सैंड का मोटर बनाना पड़ेगा, जो आपका थिक जो अपना हम लोग लेइंग जब करेंगे तब उसको हम लोग 25 से 50 mm तक हम लोग उसको जो है लेइंग करेंगे, और सीमेंट मोटर का जो रेशियो होगा वो 1:6 रहेगा। उसके बाद हम लोग मोटर को जो है स्प्रेड कर देंगे 1 इंच से 2 इंच, जो मैं अभी आपको जो है बताया वही सेम बात है। फिर टाइल्स फिक्सिंग हम लोग उसमें क्या करेंगे, टाइल्स फिक्स कर दिए, टाइल्स फिक्स करने के बाद हम लोग उसमें जॉइंट फिल कर दिए। जॉइंट फिल किस चीज़ से किए हम लोग, वाइट सीमेंट से दोस्तों। और ये सब 6 स्टेप्स होने के बाद नेक्स्ट डिंग क्यूरिंग करना ही पड़ेगा दोस्तों एक दिन उसके बाद। तो यही था दोस्तों हम लोग का आज का टाइल्स का स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है डिस्कस किए। अगर इस टॉपिक के ऊपर कोई भी स्टेप मेरा छूट गया होगा तो काइंडली आप लोग जो है कमेंट में उसको मेंशन कर दीजिए, उसमें मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही करके हम लोगों का चैनल जो है बढ़ता रहेगा दोस्तों, और आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग का सपोर्ट जब तक रहेगा मेरा चैनल तब तक नया नया कंटेंट आप लोग के लिए बनाता रहेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको और एक बार जो है याद दिलाना चाहूँगा, मेरा चैनल सिविल प्रैक्टिकल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़रूर आप लोग आगे बढ़ाइए। आप लोग का सपोर्ट के लिए ही ये चैलेंज जो है आगे जो है बढ़ सकता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर एक आएंगे और एक नया टॉपिक के साथ, नया वीडियो के साथ।